लवली फ्रेंड्स, दिस इज रेखा मल्होत्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एपिक लाइफस्टाइल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी स्किन को, अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हैं और बहुत ही ज्यादा ग्लो मार सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, जो जेल मैं आज आपके सामने बनाने जा रही हूँ, यस आई एम गोना मेक जेल जिसमें आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और घर में ही आप अपनी स्किन केयर और हेयर केयर का रूटीन बना सकते हैं। ये वाला जेल जो है आपको होली में भी आपकी स्किन को, आपके हेयर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, नरिश भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। और आपको इस जेल के लिए क्या क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? एलोवेरा वी ऑल नो इट्स लोडेड विद हीलिंग प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, और इसका पल्प इज सो 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 यूजफुल कि आप चाहे इसको पल्प का जूस बनाएं या फेस पे लगाएं या बालों पे लगाएं, कुछ भी करें, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू बिग टाइम। और एलोवेरा आज की डेट में इजीली अवेलेबल होता है। ये ग्लोइंग जेल बनाने के लिए आप यूज करेंगे एलोवेरा का पल्प और साथ में आई एम गोना यूज एलमंड ऑयल। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो बाजार से विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अमेज़न पे विटामिन ई ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो यूज ऑर्गेनिक ऑयल, आई थिंक दैट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट। और मैं यूज करूंगी टू लाइक मेक इट मोर फ्रेग्रेंट, मैं यूज करूंगी रोज वाटर। तो ये भी ऑप्शनल है आप, बिकॉज एलोवेरा की तो एज सच कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इतना ब्लांड सा है ये, बट मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है रोज वाटर, सो आई एम गोना ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर। और जो एलमंड ऑयल है ये आपका है अर्बन बोटानिक्स का, इट्स अ वेरी गुड एलमंड ऑयल। आप इसका थोड़ा सा ही यूज करना है, ज्यादा नहीं यूज करना। तो अगर आप इतना ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो मत कीजिएगा, विटामिन ई का कैप्सूल लेकर आइए या फिर छोटी बॉटल एलमंड ऑयल की लेकर आइए। डोंट यूज बादाम रोगन प्लीज, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई ऐसा अच्छी ब्रांड वाला जो बादाम ऑयल है, एलमंड ऑयल है, वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जो आपको अच्छा प्योर एलमंड ऑयल बनाकर दे सकता है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो यू हैव मेनी ऑप्शंस टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग, ऑफ कोर्स हेयर ऑल्सो। तो अब हम चलते हैं अपना ग्लोइंग जेल बनाने के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए बिकॉज यू आर गोइंग टू थैंक मी आफ्टर यू यूज दिस ग्लोइंग जेल और या फिर हीलिंग जेल, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं आप। तो आप मुझे डेफिनेटली थैंक्स करोगे क्योंकि ये इतना इजी है बनाना और रिजल्ट इसके तो फैंटेबुलस, लाइक यू विल यू नो लुक इनटू द मिरर एंड यू वुड से वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सो लेट्स गो एंड मेक दिस जेल, बाय बाय, सी यू। तो सबसे पहले आपने पल्प निकालना है, एलोवेरा निकाल रही हूँ टू मेक अ स्पेशल होली जेल। ओके, सो इट्स स्लाइडिंग, बड़ा स्लाइमी सा होता है। ओके, इट्स रियली स्लाइमी। सो मेरी प्लेट में निकल गया, इट डजंट मैटर। ओके, श्योर, यस, वी गेट इट राइट। दिस इज इफ यू लाइक, अगर आप इस तरह से निकालते हैं तो जल्दी निकल जाएगा। एज यू कैन सी, ये एंड वी पुट इट इन द बोल। अब अपनी स्किन बचानी है, अपने बालों को बचाना है, तो गाइज थोड़ी सी तो मेहनत लगती ही है। तो of course something that is going to
keep your skin and hair healthy. Oh, टूट रहा है, doesn't matter. So अभी और जेल है इसमें, so I'm going to remove it here. So सभी देखते जाइए मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ guys. So guys, हमने आपको एलोवेरा को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हैं, और थोड़ी हो गया है. सो गाइज, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ अर्बन बोटानिक्स का आलमंड ऑयल. यू हैव अ चॉइस, आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो भी ऐड कर सकते हो, या विटामिन ई का ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हो. नहीं तो आप इसमें, अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो. सो गाइज, आप देख सकते हैं. About 15 ml मैंने इसमें almond oil डाला है और मैं इसको अच्छे से blend कर रही हूँ ताकि oil इसके साथ बिल्कुल अच्छे से blend हो जाए और आपका gel ready हो जाए. Guys, aloe vera की healing properties तो हम सबको मालूम ही है. It is a wonder plant, I would say. गाइज, आप चाहें तो लाइक इफ यू हैव ड्राई स्किन और ड्राई स्कैल्प तो आप इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल सकते हैं. सो हमारा जेल रेडी है, अब हम इसको डाल लेंगे छोटे से जार में. एज यू कैन सी, आई हैव लाइक स्मॉल जार, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपनी स्किन को और अपने हेयर को. सो मिलती हूँ कुछ ही सेकेंड्स में. सो गाइज, अब मैं इस जेल को पोर कर रही हूँ जार में. एंड लाइक इफ यू विश, लाइक यू वॉन्ट अ गुड फ्रेग्रेंस टू दिस जेल, तो आप थोड़ा सा इसमें रोज वाटर डाल सकते हैं. मेरा जेल रेडी है. इसमें आई एम गोना एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर. सो माई लवली फ्रेंड्स आउट देयर, मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस डालने के लिए रोज वाटर की कुछ ड्रॉप्स एड करने वाली हूँ. So maybe I'm gonna take, as you can see, मैंने about 10 drops मैंने rose water की इसमें डाल दी. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसको लेके shake 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 shake. पीने वाला शेक नहीं है, ये लगाने वाला जेल है. सो दिस इज रेडी. नाउ आई शो यू हाउ आई एम गोना अप्लाई दिस. गाइस, आपने थोड़ा सा जेल अपने हाथों में लेना है एंड जस्ट पैट इट ऑन योर फेस. बिल्कुल बिना टेंशन के आप इसको अपनी आईज पे भी लगा सकते हो. पैट इट ऑल ओवर योर फेस. And don't forget your neck area and nape of the neck. Of course, your ears. So now I'm going to apply this all over my hair. Can see.
इट्स वेरी इजी टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड हेयर ड्यूरिंग होली. बिल्कुल सेफ रहेगी. एट द सेम टाइम आपकी स्किन नरिश भी होगी, आपके हेयर नरिश भी होंगे. सो गाइज, इसको, इस जेल को आप हर रोज यूज कर सकते हो. लाइक बिफोर स्लीपिंग, लेट मी टेल यू गाइज, मतलब ये आई थिंक कोई भी, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मॉइस्चराइजर होगा जो आपकी स्किन को इतने अच्छे से नरिश करेगा. ये आपका होममेड जो इसको जेल बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हैं. आप इसको जो है हर रोज सोने से पहले अपने हाथों पे यूज कर सकते हैं. जस्ट सिंपली मसाज योर हैंड्स विद अ लिटिल ऑफ दिस जेल एंड when you wake up in the morning, एक तो आपके हाथ जो है वो हील हो जाएंगे और दूसरा बहुत ही सॉफ्ट होंगे. सेम थिंग यू कैन डू विद योर हेयर. वंस इन अ वीक यू गिव योर हेयर दिस ट्रीटमेंट. और जितना हम नेचर के पास जाते हैं ना, उतनी जल्दी, इतना ही ज्यादा हम खुश रहते हैं, उतनी ही जल्दी हम हील होते हैं. सो जस्ट कम क्लोजर टू द नेचर. बहुत कुछ है और मेरा इसमें आई हैव हार्डली स्पेंड एनी मनी. आई थिंक मुश्किल से, अगर आपने देखा होगा, मैंने एलमंड ऑयल डाला है और थोड़ा सा मैंने रोज ड्रॉप्स डाला है. तो मेरी कॉस्टिंग, आई थिंक इसकी जो मेरी कॉस्टिंग है, इट इज अबाउट 50 rupees. तो 50 rupees में आपने एक ऐसा जेल रेडी कर लिया है जो आपका काफी दिन चलेगा. एज यू कैन सी द क्वान्टिटी, ये इतना तो मेरा अभी लग जाएगा. होली की तैयारी कर रही हूँ तो अच्छे से थोपूंगी मैं अपने ऊपर. आप देख रहे हैं मेरा तो ये ड्राई भी हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है. आई रियली डोंट नीड टू डू एनीथिंग. एंड डोंट फॉरगेट टू यू नो अप्लाई नेल पेंट सो दैट आपके नेल्स कलर ना हो. और उसके बाद यू कैन जस्ट रैप अराउंड योर हेड इफ यू वॉन्ट. सो मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ, बट बिफोर मैं ये सारा आपको दिखा दूँ. तो जब आपका ये ड्राई हो जाए, आप चाहें तो आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं. एक और लेयर बन जाएगी आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन और ज्यादा प्रोटेक्टेड होगी. जस्ट अप्लाई अ लिप ग्लॉस सो दैट योर लिप्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड एंड यू आर रेडी टू प्ले होली. जितनी भी होली खेलना चाहेंगे बिना टेंशन के, पूरे एंजॉयमेंट के साथ आप होली खेलिएगा. सो गाइज, मैं आपको रैप अराउंड बता देती हूँ कि कैसे, लाइक आई मीन आप स्टाइलिश भी लगे और होली भी खेलें, स्टाइलिश भी लगे, आपकी स्किन भी प्रोटेक्टेड रहे, हेयर भी आपके प्रोटेक्टेड रहे, और आपको क्या चाहिए. सो गाइज, मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि रैप अराउंड कैसे करें. गाइज, अब आपने अच्छे से जेल लगा दी, आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है. लग ही नहीं रहा कि मैंने फेस पे कुछ लगाया हुआ है. एट द सेम टाइम आपकी स्किन भी प्रोटेक्ट हो रही है और हेयर पे तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल स्टाइलिशली मैंने जेल. बट आई एम गोना रैप अराउंड माई हेड. वो भी आप कोई भी स्टोल ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आप बोर हो गए या आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, वो स्टोल लेंगे. और आपने, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, जस्ट टू यू नो लुक मोर स्टाइलिश एट द सेम टाइम यू आर प्रोटेक्टिंग योर हेयर फ्रॉम हार्श केमिकल्स, हार्श कलर्स. नो मैटर कितना बोला जाए कि ऑर्गेनिक कलर्स हैं, बट मोस्टली कलर्स में गाइज कुछ ना कुछ केमिकल होता ही होता है. और आपके पोर्स के अंदर बिल्कुल कोई भी केमिकल ना जाए, सो इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता. वैसे तो हम लोग तो होली जो खेलते हैं गाइज, हम लोगों की होली होती है फूलों की होली. मैं आपको वो भी ब्लॉग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और देखिएगा जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और ये गाइज, अब देखिए आप, मैंने इसको रोल कर दिया. सो दिस इज हाउ आप देख रहे हैं. सो ओके, लॉट्स ऑफ फन. कितना मजा आता है, मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे कंट्री में. हर फेस्टिवल को एंजॉय करने का एक बहुत ही अलग ही एंजॉयमेंट है, अलग ही ब्लिस है आई वुड से. सो मैंने तो छोटी सी स्टोल ली थी अपनी, आई मीन यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट. तो ये मैंने पीछे की तरफ इसको टर्न कर दिया एंड ओके, यू कैन यूज दीज क्लिप्स, टिक टैक क्लिप्स, सो दैट आपके बाल बिल्कुल अंदर तक आपकी इस टर्बन में, इस रैप अराउंड में अच्छे से कवर हो जाए.
So I think I'm ready to go and play holi. Let me just look at myself in the mirror. Extra hair है उसको आप अंदर से डाल अंदर कर लीजिएगा अपने आप को मिरर में देख के. और इस बार होली तो होगी, रंगों की होली तो होगी, बट स्टाइलिश होली होगी. सो इसके साथ ही मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड विश यू अ वेरी कलरफुल होली. एंड होली के पीछे जो पर्पज होता है कि यस आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी खत्म हो जाए और आपकी लाइफ रंगों से भर जाए. हैप्पी होली. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सो दैट मेरे और बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके और बहुत सारे फ्रेंड्स अपने फेस को, अपनी स्किन को और अपने हेयर को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सके और स्टाइलिशली रंगों से, फूलों से, पानी से अच्छे से होली खेल सके. आप चाहें तो अपनी पूरी बॉडी पर भी इस जेल को अप्लाई कर सकते हैं. सो जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, अपने अगले ब्लॉग के साथ. बाय बाय, लव यू ऑल.